हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने एचसीएफ फाइंड करना है, जो भी हमें सम पूछे गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल तीन पार्ट है, तीन सम पूछे गए हमसे, तो इन सम के हमें हल करने हैं। इस वीडियो में हम आज पहले सम को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसकी अलग से वीडियो बनाई गई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया और एंड स्क्रीन में लिंक दिया गया, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें करना क्या है कि ये दोनों वैल्यूज में हमें देखनी है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इसमें देखना है, हमें पता चल रहा है ना कि 225 जो है बड़ी है, तो हमने यहाँ ऐसे लिख लेना है 135। यहां पर आपने ये वाला साइन लगा देना है जो ग्रेटर देन का होता है। ठीक है, ये वाला साइन कैसे होता है, जो भी बड़ी रकम होती है उसकी तरफ ये दोनों जो इसका मुंह होता है वो खुला होता है। ठीक है ना, आपने ऐसे कर देना, ये पार्ट इसमें खुला होता है जो बड़ी रकम होती है उसकी तरफ। ठीक है, आपने ऐसे आइडिया लगा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लेना है कि बड़ी रकम जो कौन सी है इनमें से, 225। अब हम यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इसमें होता है डिविडियंट, b होता है डिवाइजर, q होता है क्वेश्चन एंड r होता है रिमाइंडर। ठीक है, डिविडियंट कौन सा होता है, जैसे जो जब हम डिवाइड करते हैं जो बीच में वैल्यू होती है वो डिविडियंट होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन जो आंसर आता है वो होता है रिमाइंडर होता है, जो हमारा लास्ट में बचता है, कई बार जीरो होता है, कई बार हमारा 1-2 रिमाइंडर आ जाता है। सबसे पहले हमने देख लिया ना कि 135 में से एक बड़ी रकम कौन सी है, जो भी बड़ी वैल्यू है उसको हमने डिवाइड की, जैसे हम करते हैं ना वैसे ही करना है, वैसे थोड़ा सा इसका तरीका अलग है, तो हमने जो बड़ी वैल्यू है उसको हमने बीच में रख लेना है, 225 को हमने बीच में रख लिया, ये बन गया अभी डिविडियंट, ये ए। ठीक है, अभी बी जो है हमारा जनके डिवाइजर है वो है छोटी रकम 135, ये है हमारा डिवाइजर। अभी 135 का आपको ऐसे करके देखना है कि आप इसको 2 पे मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर हमें टेबल हम डिवाइड कैसे करते हैं, जहां तो जो 135 के टेबल में 225 वैल्यू आए जहां इससे कम आए, तो हम चेक करके दे लेते हैं। पहले 135 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, साइड पे करके देख लेना आप। ठीक है, 5 2 5 10 6 एंड 7 270, तो ये आता है हमारा 270। हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी, 225 या इससे कम। ठीक है, तो मगर हमारी सेकंड के पे क्या वैल्यू आती है, 270, तो हम इसको एक पे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम 1 पे ही डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इसको हमने जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे माइनस कर देना, 5 में से 5 माइनस किए 0, 12 में से 3 माइनस किए 19, क्योंकि 2 में से हम 3 माइनस नहीं कर सकते, इसको हम 12 बना लेंगे, 12 में से 3 माइनस किए 9, ये बन जाएगा 2 का 1 और 1 में से बन गया 0। अभी हम इसको वैल्यूज पुट कर देंगे, ए कौन सा है, ए है 225, ए है डिविडेंड, जो भी बीच में रकम होती है उसको हमें लिखना है, इज इक्वल टू बी क्या है, बी होता है हमारा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो आएगा 135। मल्टीप्लाई में ये आपस में जुड़े हुए, इट मीन्स मल्टीप्लाई में क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होता है, 1 क्वेश्चन होता है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये है 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारा 90, तो यहां पर हम लिख देंगे 90। यहां ऐसे ही हमने वैल्यूज पुट कर दी। अभी हमने क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर 90 आया था, जो हमारा रिमाइंडर 90 आया था उसको हमने अभी डिवाइजर बना लेना है और इसको आगे इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, इसको वैसे ही बना लेना है, जो हमने रिमाइंडर आया था उसको डिवाइजर बना लिया, और जो हमारा पहले डिवाइजर था जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसको अभी हमने बीच में ले जाना है 135। ठीक है, अभी हमने 90 का टेबल पढ़ना है, ऐसे ही होता है ना, जो डिवाइजर होता है उसका ही टेबल पढ़ा जाता है। अभी हमने 90 का टेबल देखो, 2 पे अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। देखो 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 180।
तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी 135, मगर यह है 180, ठीक है। इसके लिए हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे। यहां पर आ जाएगा 91 90, ठीक है। अभी हम 135 में से 990 माइनस कर देंगे, इसमें क्या आ जाएगा 5, और 13 में से 9 गए 4, 45। अभी हमारा रिमाइंडर आ गया 45, तो हम यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर देंगे ए। अभी ए की जगह कौन सा होता है, जो बीच में होता है, ठीक है, जो बड़ी रकम होती है वो ए होता है। ऐसे सोच लो 135। अभी हमारा बी क्या था, बी था हमारा 90, क्वेश्चन क्यू का कौन सा था 1, और रिमाइंडर था हमारा 45। इसको आप साथ में कवर करते जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, कोई पॉइंट जो स्टेप है वो मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आगे करेंगे, अभी हम 45 को भी हमने बना लेना है डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर हमने तब तक बनाते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आता, ठीक है। 45 को हमने डिवाइजर बना लिया, तो जो 90 तो पहले था जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे, उसको अब हमने क्या कर लेना, उसको हमने डिविडियंट बना लेना, उसको बीच में ले जाना है। 45 2 90, ये सभी को पता है ना। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 4 2 4 8 and 1 90, तो यहां पर आ जाएगा 45 2 90। तो यहां पर जो हमारा रिमाइंडर भी क्या आ गया, 90 में से 90 माइनस किए तो कितना आ गया 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया अभी 0। तो अभी हमने क्या करना है, इसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो बड़ी रकम है ए होती है उसको हमने 90 ले लिया, डिविडेंट होता जो डिवाइजर को हमने बी, 45 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, तो ये हमारा जो सम है वैसे कंप्लीट हो गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस टाइम जो डिवाइजर होता है वही होता है हमारा एचसीएफ। अभी हमारा जो 45 को जब हमने डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आया, तो 45 क्या है, एचसीएफ है, यही हमारा आंसर है। तो हम यहां पर लिख देंगे एचसीएफ ऑफ, दोनों वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, दोनों का मिलकर एचसीएफ आता है 135 and 225 = 45। ये हमारा आ गया है आंसर। यहां पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसकी अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।